Assalamualaikum, आज सुनील साहब के साथ मैं निकला था और बहुत ज्यादा फॉग थी जब मैं अपने घर से आ रहा था। अभी ये मेरी स्पोर्ट्स कार ट्राई कर रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि फॉग में गाड़ी चलाने की क्या एहतियाती तदबीर होती हैं। तो सर बताएं जरा। यार फॉग में गाड़ी चलाने की एहतियाती तदबीर, पहली तो तदबीर मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो है ना यूजलेस ट्रैवल को अवॉइड करें, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। लोगों को लगता है जी शोगल है, बड़ी फॉग आई है, बड़ा मजा करें, ऐसा कुछ नहीं है। हैजर्ड है और आपकी जिंदगी खतरे में हो सकती है। सर मेरी आपकी बात हो रही थी कि जो फॉग के दिनों में हर वक्त जब स्कूल या कॉलेज जा रहे होते थे तो किसी ना किसी का एक्सीडेंट लाजमी होता था, ठीक है। तो विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, लोगों को हमारे यहाँ पे पता नहीं गाड़ी कैसे इस्तेमाल करनी है। हमारे यहाँ अक्सर रोड के ऊपर वो जिसे कहते हैं ना साइड्स के ऊपर लाइन भी मौजूद नहीं है, जो कि बाहर के मुल्कों में आपको हेल्प कर सकती हैं, तो इसलिए अवॉइड करें। अब अगर आपको बहुत ही जरूरी जाना है तो सबसे पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपकी गाड़ी की सारी लाइटें जलती हों। हमारे यहाँ पे आधी जल रही होती है, आधी नहीं। और फॉग में किसी को लगेगा कि मोटरसाइकिल आ रहा है, साइड की लाइट ही नहीं और आपके अंदर आके लग जाएगा। सारी लाइटें जल रही हों, फॉग लैंप्स आपके सही हों, रियर लैंप्स सही हों, ताकि आप सड़क पे जा रहे हैं तो लोगों को पता आप जा रहे हैं। जाते हुए इस हैजर्ड के बटन को, जो पाकिस्तान का नेशनल रेसिंग बटन है, इसको दबाएं। और बारात का भी बटन है। हाँ, बारात के लिए, रेस के लिए, कि आगे लांके दिखा, उसका मकसद ये होता है कि दूसरों को आपकी विजिबिलिटी आ जाए। एंड अगेन, इसकी विजिबिलिटी इसलिए आती है कि इसका रंग ऑरेंज है। फॉग के ऊपर हमेशा व्हाइट लाइट जो है वो आपको अंधा कर देगी, वो लाइट जो काटती नहीं है फॉग को। तो गाड़ियों की जो आम लाइट होती है, जिसको हैलोजन पुराने जमाने की जिसको बल्ब कहते थे, येलो, वो तो ठीक है, उनमें विजिबिलिटी ठीक है। जो नई गाड़ियां जिनमें LEDs SMDs आ रही हैं, वो आपको बिल्कुल फॉग में कुछ हेल्प नहीं करेंगी। सो उसके ऊपर या तो आप येलो स्टिकर लगा लें या वो सेलोफेन टेप मिलती है वो लगा लें। और हाई बीम पे गाड़ी नहीं चलानी, हाई बीम पे चलाएंगे तो वो बिल्कुल जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपको उस पर जब जाएगा रिफ्लेक्ट होकर, आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएंगे, आपको व्हाइट चादर नजर आएगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। लो बीम पे गाड़ी चलानी है। तीसरा, स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी, 30-40 से ऊपर नहीं चलानी। चौथा, ऐसी किसी जगह पे ना जाएं जिसका आपको नहीं पता। हमारे यहाँ तो सड़कों पे इतने होल्स, इतने खड्डे, कहीं ये सड़क के सेंटर में कचरे का डब्बा रखा होता है, कहीं ट्रांसफार्मर पड़ा होता है, तो आप सीधे सीधे जाते हुए भी लुकमे अजल बन सकते हैं। तो कोशिश करें उस जगह पे तो जाए ना। मेन रोड्स के ऊपर फॉलो करने के लिए मैंने आपको बताया, अगर आप मेन पे चला रहे हैं, सेंटर लाइन को लोग अक्सर फॉलो कर रहे होते हैं, व्हाइट लाइन को, उसको ना करें, बिकॉज आप सेंटर लेन में चल रहे होंगे ना, आप लेफ्ट होंगे ना राइट होंगे, आप ट्रैफिक खराब करेंगे। सो आप अगर आप टू साइडेड रोड है, आप इधर जाने वाली इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो अपने राइट वाले पे, क्योंकि हम राइट हैंड ट्रैफिक है, तो एक्सट्रीम राइट पे जो येलो लाइन है ना, उसको फॉलो करते जाएं, येलो लाइन आपको शोल्डर दिखा रही है। इसी तरह अगर आप गली में जा रहे हैं और आमने सामने की ट्रैफिक है, तो आप अपने लेफ्ट शोल्डर को, जिसको बोलते हैं लेफ्ट वाली सड़क, बिल्कुल एंड कॉर्नर है, इसके साथ फॉलो करते करते जाएं, ताकि सामने वाला अपने लेफ्ट को फॉलो करेगा, अपने लेफ्ट को, तो दोनों गुजर जाएंगे। और गाड़ी का जो शीशा है उसके ऊपर फॉग आ जाती है, तो इसको यहाँ से आप इस पे करके फ्रंट वाली ये जो है ना, जो साइन बना हुई है, पकौड़े बनाने का नहीं है, ये आप समझ रहे हैं, पकौड़े बन रहे हैं, पकौड़े बनाने का नहीं है, फ्रंट स्क्रीन का जो फॉगर है वो कर लें, यहाँ से इसको आप बेसिकली फ्रेश एयर पे कर लें और इसको हीट पे कर लें। वैसे एसी चलाएं तो सबसे दोनों एक्सट्रीम किसी भी होता है, एसी पे भी या हीटर पे भी, कोई भी एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा वो शीशे को जो है साफ कर देगा। वो क्या बाहर अंदर का सेम करना होता है क्या? जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अगर बाहर फॉग है और आप एक्सट्रीम ठंडा भी कर देंगे तब भी हो जाएगा, बट आप अगर ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? एक दिन में एक दम ही वक्त बदल गए, हालात बदल गए, किस चीज के? ये धूप निकल आई है पहले, धूप जितनी अच्छा, ये भी अजीब सी बात है, जिस दिन धूप ज्यादा होगी उस दिन फॉग भी ज्यादा होगी, याद रखना। सर्दियों में जिस दिन, यार ये फिजिक्स फिर आ जाता है, जब धूप आएगी तो उससे वो क्या से कहते हैं, वेपोरेशन होगी और बुखारात बनेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल जो हैं वो आएंगे। तो ये एक झटका फार्मूला ये है, हम पंजाब के पेंडू लोग हैं, कि सर्दियों में जिस दिन बहुत टिका के धूप है ना, उस दिन रात को टिका के फॉग होगी। अगर मॉडरेट है ना, दिन के टाइम भी हल्की हल्की आपको स्मॉग और फॉग लगे, तो रात को भी नॉर्मल होगी, टिका के नहीं होगी। अच्छा, पिछले दिनों काफी ठंड थी लेकिन फॉग नहीं आ रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि तो भी शहर है ना, शहर में तो आप बड़े आराम से ट्रेवल कर लेते हैं, हाईवे के ऊपर फॉग में ट्रेवल मैंने तो पिछले दो दफा किया है इन दिनों में, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज हाईवे में एक तो स्पीड हाई होती है, हैजर्ड बहुत ज्यादा है, आपको सड़कें भी इस तरह याद नहीं होती है, और हमारे यहाँ वही अगेन बात है, मोटरवे के अलावा किसी भी हाईवे के ऊपर आपको येलो लाइन मुश्किल ही मिलती है, और ये जो येलो लाइन है ना, आपने इसको पकड़ के रखना है। और उसमें डेंजर क्या होता है कि हमारे में आपको बताना भाई, यहाँ पे येलो लाइन आके गायब होगी एकदम, या यहाँ पे पता लगेगा जी किसी गैस वाले मैक में नहीं, या किसी मैक में और नहीं खुदा पर, तो इसलिए अवॉइड ही करें तो बेहतर है। अच्छा, दूसरा ये आप देख रहे होंगे आजकल बैनर लगे हुए हैं यार, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हर तरफ इलेक्शन के बैनर लगे हुए हैं, तो ये डेंजरस है, ये डेंजरस भी है, ये आके गिरते भी हैं। इसके अलावा मैं सबसे कहूंगा कि देखें, अभी ये हम लोग हमेशा कहते रहते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आवाम की गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती, ये देखें ना, अब रात को आप इधर आ रहे होंगे, आपने कॉर्नर पकड़ा होगा, इधर मैं आया हूँ रात को, मेरी गाड़ी इस खड्डे में देखने, किसी ने पूरा पत्थर रखा हुआ है, और वो पूरा सड़क के साइड का पत्थर नहीं होता, इसके अंदर अभी आप ये देखना किसी ने निकाल दिया, यहाँ पे पूरा एक बहुत बड़ा पत्थर था,
वो शोल्डर वाला नहीं होता पत्थर जिससे ये बटा मैं फुटपाथ, वो था। तो पहिया फटने की तकरीबन था, तकरीबन फट गया, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पथरीला इलाका तो आपके, ये देखे ना सारे गटर, ये पूरे लाहौर में ऐसे ही आपको ये जो येलो लाइनें मिलेंगी सर कम कम, ये देखे ना अभी गटर है, यहाँ आपने शोल्डर पकड़ा हो और आप गटरों के अंदर बज रहे हो, तो इससे बेहतर है कि आप घर पे रहे। अच्छा तो बात हो रही थी इलेक्शन की, तो इलेक्शन आ रहा है तो हम लोगों को क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट को और करना भी चाहिए, और ये मेरा और आपका वक्त है कि हम अपने राइट को इस्तेमाल करें, वोट दें। कई लोग मिले कि नहीं जी हम डिसअपॉइंट हैं, हम फ्लाए हैं, हम वोट नहीं करेंगे। आप वोट नहीं करेंगे तो आप उस जो है ना इलेक्शन के रन से बाहर होंगे और आपकी रिप्रेजेंटेशन जीरो होगी। तो वोट जरूर करें, देख के करें किसको कर रहे हैं, इम्पोर्टेड लोग, वो लोग जो कि आपके इलाके को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप बिला वजह ब्लाइंड वो ना बने। आप देखें कैंडिडेट को, परखें उसको, देखें उसका मंशूर क्या है। सिर्फ ये नहीं करना कि जी मैं जो फलाना बंदा पसंद है तो मैं कर रहा हूँ, वो आपको क्या ऑफर कर रहा है, उसके क्या वादे हैं, वो आपके मसाइल को समझता है नहीं समझता, तो सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल कीजिएगा। ये गाड़ी लगी थी, ये आंटी की गाड़ी लगी और आपके वो रो रही थी। हाँ जी। और आपने हेल्प नहीं की। मैंने क्या हेल्प, पेट्रोल खत्म हो गया होगा मेरे ख्याल से। सर आगे लगी हुई तो नहीं है गाड़ी, आगे से लगी, वो गाड़ी में बैठी है अभी, वो देखे ना आगे से लगी हुई है, वो साइड उड़ी हुई, बम्पर ही उड़ गया। चले कोई नहीं, बम्पर उड़ने से कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लेना। तो खैर अभी और हम क्या बात कर रहे थे, आजकल गाड़ी साफ करना सबसे बड़ा मसला है जिंदगी में मेरी। क्यों? सुबह सुबह यार ना धूप निकलती है, ठंड है, और गाड़ी खुश करना जो है ना, ओए होए होए, मैं सोच रहा हूँ गाड़ी खुश करने के लिए एक ब्लोअर नहीं था जैसे एक पुराने जमाने में हम वो करते थे एसी वगैरह साफ, वो ले लूं ताकि पानी जिन जिन जगहों पे रुक जाता है ना उससे होता है कि गाड़ी रस्टिंग जो शुरू होती है ना उससे होती है। तो इतनी धोते क्यों आप सर गाड़ी, गंदी गाड़ी अच्छी नहीं लगती ना। अब ये देखें अच्छी लग रही गाड़ी में बैठे हैं, हर तरफ गंद है, स्मेल आ रही है, पायर भी गंद है। गंदी गाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुझे तो लगता है गंदी गाड़ी एक इंसान की गंदी पर्सनालिटी के विकास होती है। सर वैसे ही शुरू करते हैं जैसे हार्पिक में वो टॉयलेट साफ, हम लोगों के घर जाके ना गाड़ियां साफ, दरवाजा खड़का के क्या आपकी गाड़ी गंदी है, आपकी नहीं, वो पहले होते ना आपकी टूथपेस्ट में नमक है, फिर हार्पिक वाले क्या पूछते होते थे पता नहीं, हाय आपका कपूट चेक करते हैं और ऐसे करके उंगली ऐसे मार के करता हूँ, मुझे ये चेक नहीं करना पड़ेगा। सर जितने सेलिब्रिटी बन गए आपको भी ऑफर मिल जाए यार, गाड़ी देखिए क्या खूबसूरत गाड़ी है, आए आपको अंदर दिखाते हैं गाड़ियों को साफ करने के बाद उनको पैक कैसे कर रहे हैं। मैंने आजकल गाड़ी फुल पैक की हुई, दिखाऊं आपको कैसे पैक, आपको ठंड लगती है, आप कंबल भी हेल्प में लेते हैं ना। हाँ जी, मैंने ऑटो स्टोर से हर गाड़ी का, लिटरली हर गाड़ी का मैंने कवर ऑर्डर किया। उसे होता ही है कि गाड़ियां खड़ी हुई है ना तो ऊपर फॉग स्मॉग से ना उनकी पेंट वेंट खराब नहीं होती। ये फोटो हार भी रखी हुई है आपने, फोटो हार रिस्टोर कर रहे हैं मेरे दोस्त की। अच्छा। जिमनी है, फोटो हार कहने कह रहे हैं आप, जिमनी है, जिमनी सियारा जो से कहते हैं, कन्वर्टेबल वाली है, और ये अपने ओरिजिनल में आपको स्टार्ट करके दिखाऊं, अभी पहले सेल्फ करें करें ऐसे आपने ये भी ले लेना, आपको मैं चाबियां दिखाता हूं, चाबियां दिखाते हैं, ओए ब्लैक रिवो आ गया पीछे देखें ना सारे उतने बुरखे भी हैं, आप देखें सब कवर हो, ऑल ऑफ देम आर अंडर कवर, तो ये बिल्कुल साफ होती हैं, साफ करके फिर कवर डाल के ऊपर वापस खड़ी कर देते हैं। इवन वहां भी देखें, ये देखें ये अंदर भी खड़ी है, तब इसमें भी है सर, ऐसे ही कहते हैं पाकिस्तान में हजार बंदों के पास एक गाड़ी है, आपके पास एक बंदे के पास हजार गाड़ियां भी है। अभी देख करना ये कल से खड़ी है, अंदर से आकर दिखाएं, हर चीज कंप्लीट है इसकी, एवरीथिंग इज कंप्लीट, गाड़ी में बैठे सही। अच्छा इसका फिर पोटोवार का नाम था पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी थी जिमनी जो है वो जापानी, अच्छा शुरू से जिमनी थी। हां जी, यहां पे पोटोवार आती थी SJ410, बट वो कन्वर्टेबल नहीं होती थी, ये कन्वर्टेबल चेक की पुराना कन्वर्टेबल है, ये कन्वर्टेबल है, इसलिए कितने के मिल जाते सॉफ्ट टॉप, ये देखें इसका अगर आपने ये लॉक से खोलेंगे और बोनट यहां से खोलेंगे, पहले दिन मैंने बोनट खोला समझ नहीं आया, इससे बोनट खुलेगा अंदर से, बोनट का लैच इसके अंदर ये खुलता है, पहले इसको लॉक से खोलेंगे ना चाबी से। अच्छा, और इसकी सीट जो है ना आपकी वाली भी है वो आगे होती है, तो उसको फुल आगे करेंगे ना यूं इसके ऊपर आ जाती है ताकि पीछे बैठने। अच्छा, इसकी क्वालिटी ठीक लग रही है, सब कुछ बड़ी अच्छी है, जापानी गाड़ी की एक एक चीज आप चेक करें, ये मिनी आर के आर है, वेल थॉट ऑफ है भाई, इसकी एक एक चीज अपनी जगह पे मौजूद है, इसकी गेजेस गुजेस सब काम करती है, 4x4 भी काम करती है, 1000cc होती है ना। हाँ जी, अभी इसका प्रोजेक्ट करना है, इसके अंदर अभी कोई नया इंजन डालना है, नहीं तो इंजन फारिग हो गया, पुराना इंजन 87 मॉडल है यार, अब रिलायबिलिटी वाइज जो है ना वो तंग करेगा। अच्छा, और वैसे पावर कम है, मेरे दोस्त है जैद रजा, उसकी गाड़ी है, उसने हमारी रिस्टोरेशन देखी काफी, उसने कहा कि भाई ये पंगा भी मेरे से भी करके दे, सर इसकी कोई हॉटलाइन बता देना। देखें यार वो देखें अंदर, तो पावर हाउस ऑडियो लगा पड़ा है, ओ
ये आप शौकीन भी हैं? कभी कभी बचपन में होते थे। महफिल डीजे 40 में लगवाया था उसके। महफिल स्पीकर जेबीसी है, किसी को डोनेट कर दें, इतनी प्यारी इफेक्ट जो है ऐसे खड़ी खड़ी। अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने आया आपने, इसके लिए अगर हमारी कोई हेल्प करना चाहे तो बिल्कुल करें। ये वो जो शोले में वो अहमद खान क्या नाम है उसका, वो जो विलन होता था शोले, मैंने नहीं देखी सर। आपकी जवानी की मूवी। मैं मूवीज नहीं देखता, फिल्में नहीं देखता, फिल्में नहीं देखता, बनाते हैं चलाते हैं। तो ये अब फिलहाल वॉशिंग टाइम चल रहा है, आपने सुबह सुबह टिप ले ली है, अब मेरा ख्याल है 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ी धुलने वाली रह गई। चले सर फिर अब धुंध में गाड़ी अच्छी चलाऊंगा। और रिलैक्स भी यार, चाबियां लेके आने में जरा, चाबियां दिखाने लगे थे आप किधर की चाबियां, डब्बा ले आना पूरा। चाबियां दिखाते हैं ना कि चाबियां कितनी है और गाड़ियां कितनी है, उससे अंदाजा लगाते हैं। गिराज टूर हो गया। अच्छा गिराज टूर आपने सोई सोई गाड़ियों में कर लिया। चाय पियेंगे? ये मेरी भी गाड़ी की चाबी है, जब मैंने कहा ये बड़ी देखी देखी नजर आ रही है। हम इसी तरह कब्जा करते हैं, जो आते हैं उसकी गाड़ी पकड़ लेते हैं, बाद में देते रहिए। अच्छा ये जो ये गेस करें सारे कि ये कौन सी गाड़ी की चाबी है, ये मैं बता देता हूँ। ये तो मुझे भी पता है, रेवो की है। अच्छा ले हमर की चाबी निकाले, एक हमर की मेरे पास है, दूसरे की आप निकालें। मैं निकाल दूंगा, ऐसे हो ही नहीं सकता कि मैं ना निकाल दूं। ये मर्सिडीज की है, ये हमर की है। यार कैसे कर लेते फरहान साहब सर, ऐसी मैं जो एक्टिंग करता हूँ। ये किस गाड़ी की है? ये एक्टिंग के बाद सोरेंटो की। सोरेंटो कहाँ से आई सर? वो खड़ी हुई है एक्टिंग के बाद शो में। सर पूछे मेरे से पूछे। अच्छा चले मैं अब आपको गाड़ी की चाबी देता हूँ, आपको बताता हूँ बताएं कि ये किस गाड़ी की, ये किस गाड़ी की है। सर ये भी जो है ना उसकी है, हाइलक्स की। हाइलक्स की है, करंट लगेगा। आगे आगे चलो। ये क्रूजर की है। वो क्रूजर की तो ये किसकी है? ये भी क्रूजर की है। फर्क क्यों है दोनों? सर एक ZX है और AXG है। एक मॉडल का भी फर्क है वैसे। क्या मॉडल है ये? 8 मॉडल में आती थी ये, बाद में इसको नई चाबी बोलते हैं, नई चाबी 16 चाहिए थी नई चाबी। और ये पुश स्टार्ट है यहां से। पुशवा कहां से आ गई? पुश लिखा दोनों गाड़ी है, पुश स्टार्ट है। ये पुश करके तो इनकी चाबी निकलती है, अगर आपका फिजिकली उसकी वो खराब हो गई ना बैटरी, तो उसके लिए यार फरहान साहब कैसे कर लेते हैं। एक ये हां एक ये। अच्छा जी बस ठीक है ना, बाप रिवील ना करें मेरी गाड़ी। ये किसकी है? मर्सिडीज की है। बताएं कौन सी की हो सकती है? ये पुरानी वाली की होगी, मतलब ये जो है। अच्छा टैंक की है। क्यों घुमानी है इधर साइड पे करी जा? ये जो एस क्लास के ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है भाई। अच्छा हाँ ये मुझे लगता है ये दोबारा बनवाई हुई है। नहीं नहीं इस पे कवर है अंदर से। अच्छा 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 जेनियन है ऊपर कवर, सिर्फ प्लास्टिक का चढ़ा के नई शो की गई है पुरानी। अच्छा ये वही बना देते पुश स्टार्ट ही बना देते, इस तरह की चाबी जो बना पुश स्टार्ट आती थी। अच्छा अच्छा ये स्कूटर, ये यादें स्कूटर भी है आपके पास? कैसा है सी? अच्छा यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। ये हमर और इस हमर में क्या फर्क है? यानी दोनों सेम है, बिल्कुल सिबलिंग है, एक पीछे खड़ा एक आगे खड़ा। सुपर चार्ज हुआ है ये नॉर्मल है। सुपर चार्ज का क्या मतलब? सुपर चार्जर होता है गाड़ी को तेज करने के लिए कहा जाता है। ये 5 की एवरेज देती है, वो 2 की देती है। अच्छा 2 की, इसीलिए तो पीछे लगाया हुआ है, रोकरे लगाया हुआ है। नहीं तो फायदा क्या है सर 2 की एवरेज नहीं ज्यादा ना, गटगट करती है सर। ये कभी चलाई नहीं, ये वैसे इसकी कंडीशन बड़ी अच्छी लग रही है। ये अभी सारी इसके व्हील चील ये सारा पैनो ब्लैक की है, वो मैट ब्लैक था, इसको पैनो ब्लैक कर दिया था। अच्छा अभी चलाते हैं, इसको लेके गए थे शो में, वो पाली के अंदर ही ले जा रहे थे। मुल्तान लेके जा रहे? मुल्तान यार कितनी गाड़ियां लेके जानी है, वो कह रहा है जट्ठा कि आपने RX-7 लेके जानी है। वो सर रहने दे RX-7। मैं कहता हूं मैं और आप फोटो आते चलते हैं, चले बड़ा मजा आएगा। डन है डन है, भी मुल्तान की करती है मन है तो डन है। अब चिकन आउट नहीं करना? नहीं करता, ये वीडियो से पहले चली जाइए। चाय पिए? चले सर पिए पिए चले। मैं गाड़ी दो तो आप काम करें। ओके सर खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।